दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। फोरलेन कंपनी की लापरवाही और प्रशासन का सुस्त रवैया दो परिवारों के लिए महंगा पड़ गया। दरअसल शुक्रवार आधी रात के बाद हुई बारिश से सोलन बाईपास पर एक घर के आगे की दीवार ढह गई और घर का एक हिस्सा हवा में ही लटक गया। यही नहीं, घर के अंदर भी दरारें आ चुकी हैं। जो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर को कितना खतरा है। हालांकि खतरे को भांपते हुए फोरलेन निर्माता कंपनी आनन फानन में डंगे की मरम्मत में जुट गई, लेकिन थोड़ी सी और बारिश परिवार पर मुसीबत ढा सकती है। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार गुरमीत सिंह नेगी ने मौके का दौरा किया और कहा कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि और बारिश होती है तो परिवार को कहीं दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा। मकान मालिक धीरज गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में कई बार एनएच कंपनी और प्रशासन से लिखित में शिकायत दी कि अवैज्ञानिक तरीके से हुई कटिंग के कारण उनके घर को खतरा है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और आज दो परिवार बेघर होने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से हमने अभी इमीडिएट जो हमें जो दिख रहा है घर स्लाइड होने वाले घर के लिए खतरा है, हमने इमीडिएट इनको तरपाल दे दिया गया है। तरपाल ताकि प्रोटेक्ट हो जाए, आगे रेन अगर पता होता है जिसके कभी भी होता है तो इससे प्रोटेक्ट की जाएगी। और हम ऐसे भी करें कि परिवार के अंदर और साथ ही हमने कॉल लेने वाले को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि उसको जो है डंगा लगवा दिया है। आगे तो क्या देखो, हमने बहुत एक ही लगवा दे, हमने कहा कि बिल्कुल लग रहा है कि अपराधी को मैंने कहा भी है कि अभी जो हम कहना है हमें सबसे भी खतरा लग रहा है। जब रात की जैसे बारिश होती है तो क्या सीन हम महसूस नहीं करेंगे। मेरा नाम धीरज गुप्ता है और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। हमारे मकान के नीचे फोर लाइन ने कटिंग की, ये कटिंग इन्होंने मार्च के महीने में स्टार्ट की। उसके बाद इन्होंने डंगे लगाने में देरी की, डंगों की हाइट बहुत कम थी। हमने ये कई बार बोला कि इसकी हाइट बढ़ा दो कि हमारे मकान को खतरा है, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हमने प्रशासन में भी इसकी शिकायत की, तीन चार बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, मौका दिखा चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और हमारे पूरे मकान में दरारें आ चुकी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमारी जान को इसमें खतरा है। मकान असुरक्षित हो चुका है। इसमें दो परिवार रहते हैं, हम मैं और मेरे चाचा जी का परिवार। कितने लोग हैं लगभग? 10 लोग रहते हैं। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम फोर लाइन कंपनी को बोल रहे हैं और इस कार्य को करवा दें। लापरवाही की शिकायत नहीं, उन्होंने कोई ऐसी जरूरत नहीं। लापरवाही मानते हैं प्रशासन की लापरवाही है और फोर लाइन कंपनी की जो है इसको काम को करती है। और प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, अगर ये समय रहते इस डंगे की हाइट को उठा देते तो हमारा मकान बच सकता था। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।